लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, और फर्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर हम लोगों ने अलैंगिक जनन हम लोग पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है वो हम लोगों ने देख लिया कि प्रकृति में कैसे जड़ तने वगैरह से हम लोग नए प्लांट क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम मतलब ये वो तकनीक है जिसको मानव के द्वारा क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। यानी मानव जो है वो प्लांट्स के कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन का मतलब तो यही होगा कि बीज के अतिरिक्त क्या किया जाएगा, बीज के अतिरिक्त किसी पार्ट, तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, जड़ हो सकता है, बीज के अतिरिक्त किसी पार्ट से क्या किया जाएगा, नया पौधा डेवलप किया जाएगा। ये तो किसका मीन्स हुआ, कायिक प्रवर्धन का। और अगर वर्ड आ जाता है कृत्रिम, दैट मीन्स वहां पर कहीं ना कहीं किसका इन्वॉल्वमेंट है, मानव का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब मानव जो है वो यूज कर रहा है तना, पत्ती, जड़, और उससे क्या कर रहा है, नया पौधा क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है ना। तो ये हमारा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जनरली जो है उच्च गुणवत्ता वाले जो पौधे होते हैं या जो फसल हो रही है उसको कम समय में अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए तो इस तरीके की तकनीक का, यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब देखो इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले कर्तन। कर्तन के अंदर दो है, एक तो स्तंभ हो गया और एक मूल हो गया। यानी कर्तन जो होती है वो दो प्रकार की है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। समझ आया, ये पहला प्रकार है। फिर दाब लगाना है। अभी एक वन बाय वन हम लोग देखेंगे है क्या, पर देखो दूसरा इसका टाइप है दाब लगाना। पहला है टीला दाब और दूसरा है इसका वायु दाब। समझ आ रहा है। फिर तीसरा है रोपण। रोपण में हम लोग चार प्रकार पढ़ेंगे, जीवी, खच्चर, किरिट और कलिका रोपण, है ना। तो ये चार प्रकार है रोपण में। ओवरऑल मिलाकर जो हमारे कोर्स में दिया गया है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के तीन प्रकार हो गए, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। तो सबसे पहले आता है कर्तन। कर्तन से क्या होता है, मतलब काटना क्या किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। स्तंभ होता है गन्ने का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, या इसमें गुलाब वगैरह भी आता है। जो कोई भी टहनी होती है या उसका तना का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसके जैसे कि टहनी है उसको हमने लिया पतली, है ना, उसको लेके क्या किया जाता है, इस तरह से वी आकार में काट दिया जाता है। उसकी जितनी भी पत्तियां हैं उसको क्या कर दिया जाता है, जैसे कि गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, उसको ले लिया। गन्ना जो आपने देखा है ना, गन्ना किस तरीके से होता है, इस तरीके से इसमें संधि और पर्व संधियां होती है ना। तो इसके एक हिस्से को क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा, और फिर उसके जैसे इसको कट करके अलग किया, इस हिस्से में इस तरह से वी आकार का क्या किया जाएगा, कट लगाया जाएगा, है ना, या फिर इस तरीके से इसको कट किया जाएगा। इस तरह से कट लगाकर फिर क्या किया जाता है, जमीन के अंदर इसको क्या किया जाता है, रोप दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि मिट्टी के अंदर खनिज होता है, जल होता है, तो उस प्रकार से तने में धीरे धीरे क्या आने लग जाती है, जो जड़ें निकलती है, और जड़ों को क्या कहेंगे, अपस्तानिक जड़ें, क्योंकि वो मूल से नहीं निकली है ना। तो अपस्तानिक जो जड़ें होती हैं वो निकलने के बाद क्या विकसित हो जाएगा, एक नया पौधा विकसित हो जाएगा। गन्ने का ये एक तो पौधा हो गया और ये क्या हो गया, इसका नया पौधा हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये स्तंभ कर्तन किया जाता है। मूल कर्तन में हम किसको कट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, नाम से ही हमको, प्रोसेस से ही में, लेकिन नाम से ही हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर हम जड़ जो होती है उसको कट करेंगे। उसको कट करने के बाद उसको मिट्टी में लगाएंगे और फिर वो जो है जड़, उससे धीरे धीरे प्ररोह का क्या होगा, विकास होगा। ऐसा किसमें होता है, नींबू और अमरूद के अंदर किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे कर्तन। फिर आता है दाब लगाना। दाब लगाने का मतलब ये होता है कि जो पौधा होता है, आप सामने ये पौधा देख रहे हो, अब इस पौधे की जो शाखा होती है उसको मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, दाब दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो ये जो दाबा हुआ हिस्सा होता है इस तने का, मिट्टी के अंदर दबाया हुआ जो हिस्सा होता है उससे नई जड़ें निकल जाती है। फिर इसको मूल पादप से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो ये जो विधि होती है वो दाब लगाना विधि होती है। अब देखो इसके अंदर दो तरीके के, टीला दाब और वायु दाब, ठीक है। टीला दाब क्या होता है, जैसे सपोज करो ये होता है फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी के अंदर किया जाता है। ऐसे पौधे लिए जाते हैं जिनकी क्या होती है, जिनकी शाखाएं बड़ी मुलायम होती है, हम उनको ऐसे झुकाना चाहें तो क्या किया सकते हैं, इजीली झुकाते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर इस तरह से बहुत सारी क्या होनी चाहिए, पर्व संधियां होनी चाहिए।
हरी बात समझ में। और उसकी ऊंचाई जो है लगभग जमीन से कितनी मीटर ऊंची होनी चाहिए, लगभग 1 मीटर तो वो ऊंचा होना ही चाहिए। पौधा बिल्कुल छोटे से पौधे को हम नहीं दबाएंगे, लगभग 1 मीटर ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो शाखा है ये इस तरीके से, सपोज ये मान लो इस तरीके से एक शाखा थी, है ना, ये इस तरीके से, ठीक। अब यहां पर भी सपोज करो पत्तियां थी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। अब यहां पर अलग अलग इस पे कई कई हिस्सों पे क्या है, पर्व संधियां हैं, राइट। तो अब क्या किया जाएगा, इस पौधे की जो पर्व संधि है यानी नीचे वाला जो हिस्सा है ना, यहां से पत्तियां क्या कर दी जाएगी, साफ कर दी जाएगी। ऊपर रहेगी पत्तियां ना, इस तरीके से नीचे से साफ कर दी जाएगी। चूंकि इसका तना कैसा है, मुलायम, तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो इसको इस तरीके से मिट्टी के अंदर क्या कर दिया, दबा दिया जाता है। और जो पत्तियों वाला हिस्सा होता है उसको कहाँ रखा जाता है, इस तरीके से वायु के अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब ये मिट्टी में जो दबाया है, यानी यहाँ ध्यान रखना है कि इस मिट्टी वाले हिस्से में कई पर्व संधियों वाला हिस्सा है। पर्व संधि समझते हो ना, यानी जहां से पत्ती वगैरह निकलती है या तने के अंदर बीच बीच में जो जोड़ होते हैं हम वो कह सकते हैं। तो ये पर्व संधियों से धीरे धीरे यहाँ पर जड़े निकल जाएगी। फिर यहाँ जड़े जब निकल जाती हैं तो इसको क्या कर दिया जाता है, इस मूल पादप से अलग कर दिया जाता है। तो एक पौधा ये हो गया और दूसरा पौधा ये हो गया, ये तो हो गया टीला दाब। लेकिन अब सेकंड आता है हमारे दाब वाली विधि जो आती है, वो आती है कौन सी, वायु दाब, ठीक है। अब क्या किया जाता है इसके अंदर, देखो कुछ जो होते हैं पौधे, टीला दाब तो उनके अंदर कह रहे थे जिसका तना कैसा था, बहुत फ्लेक्सिबल था, मुलायम था, तो हमने उसको इजीली क्या कर दिया, नीचे जमीन पे क्या कर दिया, झुका दिया, है ना। लेकिन प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको हम झुका नहीं सकते, जिनकी शाखाएं, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल लो आम ले लो, है ना, हम लोग दबा सकते हैं क्या उनको, बिल्कुल जमीन तक हम नहीं पहुंचा सकते। वो क्या होता है, उनका तना जो होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। तो वैसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, जैसे ये आप एक शाखा देख रहे हो, है ना, इस शाखा पे एक हिस्से में पत्तियों को क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, आगे वाले हिस्से में पत्तियों को रहने दिया जाता है। अब इसके यहां से पत्तियों को हटाने के बाद, जैसे ये शाखा थी ना, तो इसको इस तरीके से कट लगा दिया जाता है इसमें, इस तरीके से, आ गई बात समझ में। कट लगाने के बाद यहाँ पर गोबर वोबर मिट्टी विट्टी क्या कर दी जाती है, लगा दी जाती है, और हिस्से को क्या कर दिया जाता है, कपड़े से बांध दिया जाता है ना, इस तरीके से, कपड़े या रस्सी से, इस तरीके से। मतलब कट लगाया तने पे वी आकार का, फिर उसके बाद उसको मिट्टी जो खाद वाद होती है लाइक गोबर वगैरह, उससे इस चारों तरफ इसको लपेट के ऊपर से क्या लपेट दिया जाता है, या तो रस्सी लपेटी जाती है या कपड़ा लपेट दिया जाता है, पतला जो कॉटन का कपड़ा होता है, इस तरीके से। अब हिस्से को हम कहते हैं गुट्टी, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, गुट्टी, ठीक है। अब क्या होगा, मिट्टी तो मिल गई, जड़ आने के लिए क्या जरूरी है, मिट्टी जरूरी है ना, तो मिट्टी तो आ गई, लेकिन अभी भी पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई ये तो क्या है, जमीन से ऊपर है प्लांट है। तो वैसे सिचुएशन में ये देख रहे हो आप, सामने घड़ा लटका दिया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर वाली शाखा पर, और इस घड़े के अंदर छोटा सा, कभी आप लोग शिव मंदिर गए हो तो देखा हो शिव जी की जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर टप टप पानी टपकता रहता है ना शिवलिंग पे, तो सेम वही सिचुएशन होती है, इसके ऊपर छोटा सा छेद होता है, और छेद को किससे बांध दिया जाता है, इस रस्सी से। तो जितना भी पानी मटके में से रिस के आ रहा होता है वो कहाँ जाएगा, इस गुट्टी के ऊपर। यानी अब मिट्टी और जल दोनों ही क्या है, मिल गई, मिट्टी से खनिज वगैरह मिल रहे हैं और ये मटके से इसको क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। तो वैसे सिचुएशन में अब यहाँ वाले हिस्से पे क्या आना शुरू हो जाती है, जड़े आना शुरू हो जाती है। जब इस हिस्से में इस तने पर जड़े आना शुरू हो गई पानी मिलने के बाद, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, मूल पादप से कट करके अलग कर दिया जाएगा, और इसको कहाँ लगा दिया जाएगा, जमीन में लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये प्लांट वन था और ये हमें नया प्लांट टू प्राप्त हो गया, आ गई बात समझ में। तो ये हो गए हमारे दो प्रकार, किसके, दाब लगाना विधि के। पहला था टीला दाब, डिफरेंस क्या देख रहे हो, डिफरेंस यही है कि वो तने जो कठोर होते हैं उनमें तो हम वायुदाब लगाएंगे, क्योंकि उस तने को हम जमीन तक नहीं ला सकते, वो कहाँ रहेंगे, ऊपर ही रहेगा, ठीक है, टहनी जो है उसके ऊपर ही रहेगी, तो वायु के अंदर ही हम उसको दाब रहे हैं। दाब रहे का मतलब क्या कर रहे हैं, मिट्टी से लपेट रहे हैं, मिट्टी में दबा रहे हैं, इससे को मिट्टी में ही तो दबा रहे हैं ऊपर लपेट के, है ना। तो वो चीज हो गई। और टीला दाब के अंदर क्या होता है, जो हिस्सा होता है, जो शाखाएं होती है, बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ज्यादा ऊंचा नहीं होता वो पौधा, है ना, और 1 मीटर तक अगर उसकी शाखा हो जाती है तो उसको नीचे करके दबा दिया जाता है। फिर आता है इसके बाद रोपण विधि। रोपण विधि जो होती है जनरली हाइब्रिड पौधे या संकरित पौधे प्राप्त करने के लिए प्राप्त यूज की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बैंगन है, बैंगन की दो प्रजाति होती है, एक देसी और विदेशी।
विदेशी जो होती है बिना कांटों वाली होती है, आप लोग अगर लेके आते हो बैंगन, और जो देसी होते हैं उनमें क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस होता है कि विदेशी जो होते हैं उसके एक पौधे पर बैंगन जो उगते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है ना, और जो देसी होते हैं उनके अंदर जो बैंगन उगते हैं उनकी मात्रा तो कम होती है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, यानी कीड़ों मकोड़ों से जल्दी से इफेक्टेड नहीं होते। तो हम चाहें कि इन दोनों के लक्षण वाले एक पौधा आ जाए, तो उस विधि में हम लोग रोपण विधि का उपयोग कर सकते हैं। यानी सपोज करो ये एक पौधा है, इसको जिसके अंदर क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, यानी उत्पादन क्षमता ज्यादा है, यानी जो फल फ्रूट लग रहे हैं वो ज्यादा हैं, और दूसरा पौधा है जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, ज्यादा। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और एक नया पौधा क्या कर दिया जाता है, विकसित कर दिया जाता है ना। तो इस पौधे के हिस्से को लाया जाएगा और इस पौधे के हिस्से को लाया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा और नया पौधा बना लिया जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से कुछ विधि होती है जो रोपण द्वारा, इस विधि को हम लोग रोपण कहेंगे। तो अब देखो, सबसे पहला है रोपण विधि के अंदर चार प्रकार है, जीवी, पक्षर, किरीट और कलिका। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, मैंने कहा कि दो पौधों के हिस्सों को क्या कर दिया जोड़ा जाता है ना, वो तना भी ले सकते हैं, वो कलिका भी ले सकते हैं। तो अभी देखो, इसके अंदर सबसे पहला आता है जीवी। तो एक पौधा सपोज इस ये है, इसके ये पौधे की टहनी है, ठीक है, इसके ऊपर में दूसरी पौधे, इस पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा। जो नीचे वाला पौधा है जिसपे लगाया जाता है, वो जनरली वही पौधे लिए जाते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, ताकि इसको एक्सेप्ट कर सके इजी वे में, है ना। तो ये वाला जो पौधा है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, तो ये उस पौधे की टहनी है ना, मतलब ये पौधा वो है, उसका ऊपर वाला हिस्सा उड़ा दिया, सिर्फ टहनी टहनी रखी है, नीचे जड़ रखी है। मतलब इसको अगर मैं समझाऊं तो इस तरीके से, जैसे ये पौधा है, इसकी जड़ें निकली हुई है, ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या कर दिया गया, काट दिया है ना। अब इसकी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने दूसरे जो पौधा है उसका तना लाके क्या करना है, फिट करना है, ठीक है। तो जिसपे लगाया जाएगा इसको, है ना, जिसपे लगाया जाएगा उसको तो हम क्या कहेंगे, स्तंभ, स्कंद। आगे बात समझ में, ये मैंने स्तंभ लिखा है, यहाँ आ जाएगा स्कंद, ठीक। और ये जो आएगा जिसको हम लगा रहे हैं वो हो जाएगा हमारा कलम। अगली बात समझ में, जिसको हम, जिस हिस्से को, तने के टहनी को हम काट के लगा रहे हैं वो तो कलम है, और जिस पे लगा रहे हैं वो हमारा हो गया स्कंद, ठीक है। तो जनरली जो है प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, जिनमें उत्पादन ज्यादा होता है उनको कलम बनाया जाता है, और जिनके अंदर क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, उनको क्या बनाया जाता है, हम लोग बनाते हैं स्कंद बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट है जीवी, जीवी के अंदर देखो क्या किया जाता है, जो कट किया जाता है, कट करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, जो बी आकार का कट, इस तरह से हम लोग स्कंद के ऊपर, यानी जिस पौधे पर हम लोगों को कलम हमारी लगानी है उसको हम इस पैटर्न पे काटेंगे, तो उसका जस्ट अपोजिट हम किसको लगाएंगे, कलम को लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा पैटर्न होता है वो होता है जीबी, या इसको चाबुक छड़ी भी कहा जाता है, इस पैटर्न को क्या कहा जाता है, चाबुक छड़ी विधि भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पक्चर विधि, पक्चर विधि के अंदर जो हमारा स्कंद होता है, नीचे वाला पार्ट कौन सा है, स्कंद, यानी इसकी जड़ें होती है ना जो मिट्टी में धंसी रहती है, इसमें हम बी आकार का लगाएंगे, उसके जस्ट अपोजिट ऐसे होता है, तो ये हो गया भाई, ये है, ये वी आकार है, तो इसमें कैसी होगी, निकला हुआ हिस्सा ही तो फिट होगा इस तरह से, तो ये जो होता है इसको हम वेज आकार कहते हैं। तो यहाँ पर हम पक्चर में कलम को तो वेज आकार में काटेंगे, और स्कंद में क्या काटेंगे, वी आकार में काटेंगे। फिर आता है इन दोनों के अंदर ये ध्यान रखना कि स्कंद और जो कलम होती है उनका दोनों का व्यास बराबर होता है, यानी जितनी मोटाई इसकी नीचे वाले की होगी उतनी ही मोटाई किसकी होगी, ऊपर वाले की होगी, ठीक है। फिर आता है किरीट या मुकुट, मुकुट वाले के अंदर जो नीचे वाला हमारा स्कंद होता है, नीचे वाले में जो स्कंद होता है, ध्यान रखना स्तंभ इसको स्कंद कर लेना, तो स्कंद जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसकी मोटाई ज्यादा होती है, और उसके ऊपर आपने मुकुट कैसा होता है, लाइक नीचे वाला ये है, उसके ऊपर इस तरह से मुकुट आपने देखा होगा, अगर आदिवासी हो के अपने मूवी वगैरह के अंदर देखा होगा तो इस तरीके से होता है ना। तो इसी तरीके से आप इस हिस्से को स्कंद मान सकते हो, और ये पतली पतली जो डंडियां हैं इसको आप क्या मान सकते हो, कलम
कलम मान सकते हो। तो स्कंद के ऊपर इस तरीके से कट लगा लगा के इनको क्या किया जाता है, फिट करके इनको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। यहाँ पर भी इसको फिट करके क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, और यहाँ पर भी फिट करके क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बांधते समय ये जरूर ध्यान रखा जाता है कि इसकी एधा और इसकी एधा मैच करे। ठीक है, एधा क्या करती है, जिसकी वृद्धि करती है, और उत्तक बनाने का क्या करती है, निर्माण करती है। तो उत्तक बनेंगे तो आपस में जाइलम फ्लोएम क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो वो एक पौधे का क्या करेगा, रूप ले लेगा। तो इनको जोड़ते समय ये ध्यान रखा जाता है कि इनकी एधा जो है वो आपस में फिट बैठ जाए, इनका जो कैम्बियम है वो आपस में क्या हो जाए, फिट बैठ जाए, बलकुट वगैरह अच्छे से प्लेस हो जाए एक दूसरे के ऊपर। अगर वो नहीं हुआ तो फिर पौधा डेवलप नहीं होगा। फिर आता है कलिका रोपण। कलिका रोपण में क्या किया जाता है, इस तरीके से देखो, ये मान लो एक प्लांट है, ये प्लांट के छाल जो होती है, जो मोटी छाल के पौधे होते हैं, उनके जो छाल के ऊपर क्या किया जाता है, टी आकार में कट लगाया जाता है। मतलब पहले तो यूं काटा जाएगा उस छाल को, फिर उसको यूं काटा जाएगा, है ना। काटने के बाद अब ये जो छाल है वो इस तरीके से ऊंची हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है थोड़ी सी, यानी यहां से कट लगा दिया थोड़ा और यूं लगा दिया, तो मैं अगर इस हिस्से को उठाना चाहूं तो उठा सकती हूँ क्योंकि कट लग गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्लेस कर दी जाती है, कोई भी कलिका जो कि क्या हो सकती है, नया पौधा बना सकती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो कलिकाएं होती है ब्रायोफाइटा वगैरह में क्या होती है, जो पत्ती वगैरह पे कलिकाएं तो खेलती है छोटी छोटी, है ना। तो इन कलिकाओं को हम लोग नीचे जमीन में लगा देते हैं तो नया पौधा विकसित हो जाता है। सेम उसी तरीके से इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, कलिका रोप दी जाती है, और ये कलिका धीरे धीरे इस पौधे से नीचे वाले से क्या करती है, पोषण वगैरह लेकर जड़े विकसित करती है, और जब जड़े निकल जाती है तो उस पौधे को अलग करके क्या कर दिया जाता है, मिट्टी में लगा दिया जाता है। तो ये जो कलिका है इसके अंदर लगा के इसकी जड़े डेवलप की जाती है और नया पौधा विकसित किया जाता है। तो इस तरीके से इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसका लास्ट टॉपिक है फ्लावर की प्रारूपिक संरचना, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब मैंने आपको चैप्टर सेकंड और थर्ड पढ़ाया था, जो आवृत बीजी पादप है उसमें लैंगिक जनन जब पढ़ाया था, तो मैंने उसके अंदर आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि पुष्प की संरचना कैसे होती है, कैसा उसका जायांग होता है, कैसा उसका पुंकेश्वर होता है, हम लोग ने ब्रीफली पढ़ चुके हैं। तो वो हम लोग अब इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, और ये जो चैप्टर है आपका फर्स्ट यहाँ पर खत्म होता है। अब बचता है इस यूनिट का एक लास्ट चैप्टर, वो है आपका फोर्थ चैप्टर, जो कि हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। देन ये आपकी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है, और इसमें से आपके जरूर जो है क्वेश्चन आएगा। मिनिमम मान के चलो कि ये 4 नंबर की यूनिट है, एक वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड आपकी बड़ी यूनिट है। और जो आप लोगों को कीट परागण साल्विया में बताया था मैंने, और जो गन्ने के अंदर परागण होता है, सॉरी भुट्टे के अंदर, है ना, वो जो हम लोगों ने वायु परागण पढ़ा था, वो आपके प्रैक्टिकल में 3-3 नंबर की जो माइनर एक्सरसाइज है उसके रूप में आप लोगों ने पढ़नी होती है। आ गया समझ में? तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट।